प्यारे छात्रों, जैसा कि एमपी बोर्ड के प्रश्न बैंक था वेबसाइट पर अपलोड हो चुका था और यहाँ पर यह भी डिसाइड हो चुका था कि आपके जो फाइनल पेपर हैं वो प्रश्न बैंक से बनेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है एमपी बोर्ड की वेबसाइट से। अगर आपने नहीं चेक किया तो चेक कर सकते हो। जितने भी प्रश्न बैंक अपलोड किए गए थे सारे के सारे प्रश्न बैंक हटा दिए गए हैं। चलिए एक बार मैं आपको वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ। अभी आप देख सकते हो हम एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना mpbse.nic.in। थोड़ा सा नीचे की तरफ आप जैसे ही जाओगे तो यहां पर आपको ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा, पठन पाठन सामग्री। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो आपको अपनी कक्षा चयन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहां पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तकें, वीडियो, ऑडियो, प्रश्न बैंक, ब्लू प्रिंट, प्रश्न पत्र। ये सब डाउनलोड करने के लिए यहां पर आपको अपनी कक्षा का सिलेक्शन करना है। तो जैसे ही कक्षा का सिलेक्शन करने के लिए यहां पर क्लास 12th आ गया तो मैं क्लास 12th पर सिलेक्ट कर देता हूं। इसके बाद आप नीचे देख सकते हो, या तो आप देखे पर क्लिक मार सकते हो या उसके नीचे सारी सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारी सब्जेक्ट जितनी भी है क्लास 12th की, वो सभी सब्जेक्ट आपके सामने आ चुकी है। चलिए मैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स के पेपर पर आपको लेकर के चलता हूं। ये आपके सामने आ चुका है भौतिक विज्ञान। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले क्या था, फिजिक्स का यहां पर प्रश्न बैंक अपलोड था। अभी यहां पर आप देख सकते हो चैप्टर वाइज यहां पर देख सकते हो ई बुक अपलोड है, उसकी वीडियो भी अपलोड है, लेकिन प्रश्न बैंक यहां पर नहीं है। पहले यहां पर प्रश्न बैंक अपलोड रहता था, यहां पर साइड में ऑप्शन रहता था 1, 2, 3 करके यहां पर, तो वो यहां से हटा दिए गए हैं। फिजिक्स का कंप्लीट प्रश्न बैंक यहां से हटा दिया गया है। हालांकि अब देखिए प्रश्न बैंक से ही पेपर बनेगा और वेबसाइट से प्रश्न बैंक हटा दिया है तो छात्र पढ़ाई कैसे करेंगे। यहां पर बहुत बड़ी समस्या ये सामने आई हुई है फ्रेंड। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा प्रश्न बैंक किस लिए हटाया है और नेक्स्ट प्रश्न बैंक आपके लिए कब तक आ जाएगा। चलिए एक सब्जेक्ट और देख लेते हैं यहां पर। अभी हमने फिजिक्स को देखा, थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं, मैथमेटिक्स का देख लेते हैं। चलिए जैसे ही मैंने ये मैथमेटिक्स पर क्लिक किया तो आप यहां पर देख सकते हो किसी भी चैप्टर का प्रश्न बैंक अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। हालांकि पहले प्रश्न बैंक अपलोड थे लेकिन जो अपलोड थे उन सबको हटा लिया गया है। तो यहां पर प्रश्न बैंक हटाने का एक मेन रीजन था क्योंकि अब तक जो प्रश्न बैंक बनाया गया था वो क्रमबद्ध तरीके से, सुसंगठित तरीके से नहीं था और जो प्रश्न बैंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था वो भी एकदम क्लियर साफ साफ नहीं दिख रहा था। तो फ्रेंड ये एक सिस्टम की गड़बड़ी थी जिसमें मैथमेटिक्स के चित्र वगैरह दिखाई नहीं दे रहे थे प्रश्न बैंक में। तो जिससे क्या था, छात्रों ने समस्या जाहिर की थी, अपने अध्यापकों को बताया था, इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, तैयारी कैसे करेंगे। तो जिसको देखते हुए एमपी बोर्ड ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है, सारे प्रश्न बैंक को हटा दिया है और धीरे धीरे विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर जितने भी प्रश्न बैंक बचे हुए हैं वो सारे अपलोड द्वारा से कर दिए जाएंगे एमपी बोर्ड के द्वारा। 1 वीक के अंदर क्वेश्चन यानी जो प्रश्न बैंक है उसको सही तरीके से मॉडिफिकेशन करके। हेलो बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक रहे हो तो डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्वेश्चन का फोटो लीजिए, उसे अच्छे से क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी होमवर्क हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी और कोई भी अदर बोर्ड हो, IIT-JEE, मेन, नीट, क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का कोई भी क्वेश्चन हो, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनेट पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों का उत्तर आपको डाउनलोड पर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास 9 से 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। तो देर किस बात की, 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी डाउनलोड के अपलोड किया जाएगा। किस तरीके से मॉडिफिकेशन होगा यहाँ पर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। केमिस्ट्री का प्रश्न बैंक जो कि अपलोड हो चुका है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके सामने जा रही है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो चैप्टर वाइज ये आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है ये बुक का होता है, सेकंड वाला ऑप्शन होता है ये वीडियो का होता है, थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका प्रश्न बैंक का है। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो देख सकते हो सुसंगठित तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न बैंक इस तरीके से अपलोड किया जाएगा एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर। ये एक अच्छा तरीका है प्रश्न बैंक को अपलोड करने का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर एक एक नंबर के अपलोड कर दिए। उसके बाद यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हो ज्ञान परक, समझ परक। तो इनको अगर आपको अपलोड देखना है तो इस पर आपको क्लिक करना है ज्ञान परक पर। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर नीचे ये ज्ञान परक वाले सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये एक सुसंगठित तरीका है। अगर आपको इनको डाउनलोड भी करना है तो आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेव PDF। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से प्रश्न बैंक आपके सामने आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन क्वेश्चंस की तैयारी आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। फ्रेंड अगर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का PDF चाहिए
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का पीडीएफ विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न बैंक हटाए गए हैं, अच्छे तरीके से नहीं थे इसलिए हटाए गए हैं, उनको बहुत जल्दी एक वीक के अंदर वेबसाइट पर अच्छे तरीके से अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।